सुदर्शन चला और जाके ठहरा कहां पर? सीतापुर की वो पावन भूमि उत्तर प्रदेश में, जहां पर स्थित है वो नैमिषारण्य, वहीं पर वो रथ रुका और भगवान ने कह दिया नैमिष, अर्थात एक पल में जहां पर जीव को मुक्ति मिल जाए वो स्थान है नैमिषारण्य। और इसी पवित्र नैमिषारण्य की भूमि में स्थित है श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषि। शौनक उवाच, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सुताख्या ही कथा सार, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान का घनांधकार जीवन में छा गया है और सूर्य के रूप में आप हमारे जीवन में आए हो, इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, अपने प्रकाश से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करो। ज्ञानी को धर्म शास्त्रों में कहा गया द्वितीय भास्कर, जिसकी ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी होना उसको दूसरे सूर्य के समान कहा गया। एक सूर्य तो वो जो निशा को समाप्त करता है, निशा के अंधकार को समाप्त करता है, और एक सूर्य है वो जो अपने ज्ञान से जीवन के अज्ञान को दूर करता है। इसलिए महाराज आज शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज के शरणागत हैं। महात्म्य है भागवत का, और ये जितने श्लोक आप श्रवण कर रहे हो ना, कहते हैं महात्म्य के श्लोक जरूर सुनने चाहिए भागवत के। संस्कृत में जितनी कथा कही जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि ये भागवत बिना श्लोकों के पूर्ण नहीं मानी जाती, और हम संस्कृत वालों को तो बीमारी है संस्कृत बोलने की। क्यों? देव भाषा है ये प्यारे, देवताओं को तो उनकी भाषा में ही रिझाया जाए तो बहुत अच्छा है प्यारे। महात्म्य की जितनी महिमा श्लोकों के माध्यम से गाई जाए ना, एक जब मिस्त्री जब मकान बनाता है ना, एक बार हम खड़े थे मिस्त्री के पास, वो मकान बना रहा था, वो जो नीचे की नींव है ना उसको बड़ी चौड़ी चौड़ी बना रहा था, और जब उसने नींव बनाई और ऊपर की दीवार खड़ी करने लगा तो कहा महाराज ये 9 इंची है दीवार, बस 4 इंची है दीवार। हमने कहा तूने नींव तो इतनी बड़ी बनाई, दीवार को तो 9 इंची बना रहा क्यों? कहा महाराज इसकी नींव इतनी मजबूत है, दीवार चाहे इसके ऊपर पतली ही खड़ी कर देना ये टूटेगी नहीं, ये मजबूत है जाएगी। ये भागवत का जो महात्म्य है ना, ये नींव है आपकी, और जिसकी नींव पक्की हो गई उसका मकान तो पक्का बने ही जावे मेरे प्यारे, उसका मकान तो पक्का बने ही जावे। आज कितना सौभाग्य का दिन है, कितनी बार हम ये विचार करते हैं कि जहां पर भी भागवत कथा होती है वहीं पर इंद्र देवता प्रसन्न है जाते हैं, थोड़े हो या ज्यादा हो जरूर जाते हैं। कितनी कृपा बरस गई आज मेरे ठाकुर की, हाँ प्रसन्न है गए किस पवित्र समय पर कराई गई पवित्र भागवत से स्वयं भगवान प्रसन्न है गए। अवसर सामने कल आपको बतलाया था कितना सुंदर अवसर है भागवत का, इससे बढ़िया मुहूर्त पूरे साल में नहीं होता, इससे अच्छा मुहूर्त पुण्य से पुण्य मिलता है प्यारे। तार जो जुड़ते हैं ना ये पुण्य से जुड़ते हैं, कुंभ का पावन अवसर माघ मास, शुक्ल पक्ष की वेला, गुप्त नवरात्र, बसंत पंचमी, कितना शुभ अवसर है, और ऊपर से इंद्र देवता प्रसन्न है रहे हैं, तो ये कृपा नहीं तो क्या है मेरे प्यारे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा करते हैं मेरे सामने, दया करते हैं मेरे सामने।
पूछा यहां पर श्री सूत जी महाराज से सोने का दृश्य। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, भक्ति ज्ञान और विवेक की प्राप्ति जीवन में किस प्रकार होती है, आज हर मानव का यह प्रश्न है कि महाराज ये मेरा मन नहीं टिकता, ये कैसे टिके, ये दुनिया में बड़ा लगता है, शरीर कथा में बैठा है, चिंता घर की है, चिंता घर के द्वंद्वों की है, ये मनास्थिति शांत कैसे होए महाराज, मनास्थिति शांत कैसे होए। कि प्यारे जीवन में भक्ति की प्राप्ति कैसे होवे, विवेक की प्राप्ति कैसे हो, वैष्णव जन किस प्रकार से इस माया से पीछा छुड़ावे। वैसे माया से पीछा छुड़ाना आसान नहीं, गीता में तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि माया किसका स्वरूप है, अब मेरा ही स्वरूप है माया दुरुत्या, मेरा ही स्वरूप है। दुनिया कह देती है काट दो छांट दो इस पर्दे को, परंतु आसान नहीं मेरे प्यारे, आसान नहीं है। जीव रहता है, दो प्रकार के संसार हैं, एक संसार है जहां पर भगवान की कथा होती है, भगवान का नाम होता है, भगवान का गुणगान होता है, और एक दूसरा संसार है जहां वे विचार होता है, बुरे कर्म होते हैं। जीव रहता है उस बुरे संसार में, परंतु देखना चाहता है अच्छे संसार को, परंतु बीच का पर्दा है ना जो बड़ा, वो दीवार है वो बहुत ऊंची है, आवाज तो सुनती रहती है उस तरफ की, परंतु जाए कैसे, वो पर्दा इतना बड़ा है। कहा प्यारे काट दो छांट दो इस पर्दे को, आसान नहीं है मोहबंधनों को तोड़ पाना, परंतु उन मोहबंधनों में रहते हुए भी जो भक्ति पथ को ना छोड़े, संसार में रहते हुए भी जो संसार का ना बने, वास्तव में वही समझदार है प्यारे। बेशक रहो तुम, रहो दलदल में, परंतु आसक्ति ना हो उस दलदल में, आसक्ति तुम्हारी कमल में ही होनी चाहिए, आसक्ति तुम्हारे कृष्ण नाम में ही होनी चाहिए। इसलिए एह घरे कलो प्रायो जीव श्याम सुरताम गतः क्लेशाकांतस्येतस्येव शोधने किं परायणम्, शोधने किं परायणम्। इस घोर कली काल में जीव प्रायः स्त्री स्वभाव के हो गए, विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। कहते हैं एक समय था जब एक तरफ राम हुआ करते थे दूसरी तरफ रावण, एक तरफ कृष्ण हुआ करते थे दूसरी तरफ कंस। त्रेता द्वापर की बातें हैं, आज कली काल है, आज मानव तो एक ही है, वही राम है और उसी में रावण भी है प्यारे, उसमें कृष्ण है तो उसमें कंस भी है। सुबह सुबह नहा धो के तिलक लगा के मंदिर जाता है और शाम को वही फिर पी के झगड़ा करता है, या उस पीने वाली वस्तु को संसार की कह लो, या फिर दुनिया के गुस्से की, क्रोध की, वासनाओं की, लालसा की, व्यभिचार तो व्यभिचार है प्यारे, फिर वही रावण के रूप में आ जाता है, वही कंस के रूप में आ जाता है,
कहीं शायद रावण और कंस में तो कुछ गुण हो सकते हैं, परंतु उसके तो वो गुण भी छुप कहीं ढक जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। कि प्यारे यह घरई कलऊ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गता, असली स्वभाव का प्राय है मानव हो जाता है। क्लेशाग्रंतस्य तस्यैव, क्लेश करता है झगड़ा करता है, ऐसा कौन सा घर है प्यारे जहां झगड़ा ना होवे। कहा प्यारे फिर कहा क्लेशाग्रंतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम, शोधने कैसे होवे, मार्जन कैसे होवे। श्रेयशाम यद भवश्रेयम् पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनं तद्वदाधुना, साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाला हो। कि प्यारे कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तत्वदाधुना, सरल से सरल कोई उपाय बतलाइए कि ये मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं जीवन में जिसे अगर कहीं किसी को मणि मिल जाए ना, तो मणि केवल उसको लौकिक सुख दे सकती है, और अगर कहीं जीवन में ज्यादा से ज्यादा कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो क्या कर सकता है, बड़े से बड़ा हमें स्वर्ग का सुख दे सकता है। परंतु जिसके गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, जिसके भगवान प्रसन्न हो जाएं, उसे तो वैकुंठ मिलना निश्चित है। प्यारे चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगे दुर्लभम, वैकुंठम योगे दुर्लभम। उसे तो वैकुंठ मिलना निश्चित है प्यारे। इसलिए हे प्रभु, कोई सरल उपाय बतलाइए, कोई आसान उपाय बतलाइए। प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज सोने का दृश्य। कहते हैं अगर किसी से कुछ सुनना हो ना, किसी से कुछ पाना हो, तो प्रार्थना करनी चाहिए महाराज, और कहीं सदगुरु मिल जाए तो। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता, मेरा मन रोके नहीं रुकता, मेरे मन के रोके घोड़े, ओ मेरे भटके घोड़े रोके। कौन से घोड़े? काजिन के ऊपर लगाम नहीं लगाई जा सकती। आइए श्री राधे कोई संत मिले,
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, निर्दार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निर्दार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निर्दार हरि संत जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निर्दार हरि संत जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, 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 मुझे प्रभु चरणों से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रभु चरणों से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे हरि चरणों से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे हरि चरणों से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधे ऐसा कोई संत मिले, ऐसा
कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। पथ पर मुझे चलाए,
भवतारण की राह बतावे। मेरी बांह पकड़ना छोड़े, वो मेरी बांह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और प्यारे, ऐसी महिमा तो किसी सुखदेव रूपी संत की हो सकती है। इसलिए उपाय पूछे अनेकों अनेक, और कहते हैं अभी तक तो शौनक बोले थे, अब सूत जी बोले। सूत वाच, ध्यान से सुनना क्या बोले सूत जी। प्रीति ही शौनक चिते ते, हाथो वचमी विचार्यच, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भय नाशनम, संसार भय नाशनम। हे शौनक जी, तुम्हारे मन में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों का निष्कर्ष तुम्हें सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का विनाश कर देता है। भगवान की कथा किसे सुनाई जाती है? कहा जिसको भगवान से प्रेम होवे। सुन भी कौन सकता है भगवान की कथा? मानस में कहा निर्मल मन जन सो मुही पावा, वही छल कपट चित्र नहीं भावा। कि भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाले भक्त बड़े प्रिय हैं, जिनका मन गंगा के तुल्य निर्मल होवे। और गंगा के तुल्य निर्मल मन किसका हो सकता है? कहा जो भागवत सुनता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, उसी का मन निर्मल हो सकता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे गोविंद, कैसे आ जाऊं मैं मन रूपी मैली चादर को लेके। मैले ही मैले भरा पड़ा है, दाग ही दाग लगे हैं इस जीवन में। कि प्यारे, ये दाग कौन से हैं? कहा ये दाग है ज्ञान के। कहा ये दाग कौन से हैं? कहा ये दाग है द्वंद्वों के, ये भय के दाग। भय किसका? कहा भय झूठे जगत का। परमार्थी को कभी भय नहीं हो सकता, प्यारे भगवान के प्यारे को कभी कोई भय नहीं हो सकता, वो अक्रांत रहता है। अब भय से अक्रांत दुनिया रह सकती है, परंतु भगवान का प्यारा कभी भय से डरता नहीं, वो तो सच्चे पथिक का मार्गी बनता है प्यारे। इसलिए हे शौनक जी, आपके मन में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, प्रेम है तभी मैं आपको इस रस का पान कराऊंगा। इसलिए जन्म मृत्यु के भय को छोड़ दो और मेरी शरणागत हो जाओ। कहा क्या होगा भागवत सुनने से? भक्योग वर्धनम यच्च, कृष्ण संतोष हेतुकम, तद्दहं ते विदास्यामि, सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु। भक्तियोग वर्धन में अच्छा, भक्ति अगर किसी को जीवन में बढ़ानी हो। कहा महाराज, मुझे किसी भी टाइम और कुछ याद नहीं आता, परंतु जब मैं माला लेके घर के मंदिर में बैठता हूं ना, जैसे ही आसन पे बैठता हूं, उसी समय सारे संसार के काम याद आ जावे। अब ये भी करना, वो भी करना, अरे ऑफिस में लेट हो गया, अरे
कारोबार के लिए लेट हो गया, दुनिया के लिए लेट हो गया, देरी है गई, अब मुझे जाना है। प्यारे जाना तो तुझे एक दिन है, देरी तो वास्तव में हो रही है, देरी हो रही है वास्तव में। वो भगवान नाम रूपी ट्रेन तेरी छूट गई, हाँ यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो चढ़ गया सो पहुंच गया, जो रह गया सो डूब गयो प्यारे। हाँ इसलिए इस भगवान नाम रूपी ट्रेन में चढ़ जाओ प्यारे, पार उतार देवे तुम्हें। हाँ भक्तियोग वर्तनम ये कृष्ण संतोष हेतु कम, भक्ति को बढ़ाने वाली है पर भगवान श्री कृष्ण को भी संतोषित करने वाली है। तद हम देवी दहश्यामी, इसीलिए मैं इसे तुम्हें सुनाता हूँ। और बड़ी प्यारी बात कही महाराज श्री सूजी महाराज ने, सावधान तया श्रण। अब भगवान का नाम शुरू हो रहा है, सावधान होके सुनना। एक कर्ण रंध्र है ना, इसको एक तरफ से बंद कर लियो कि कहीं इस कान से डली सेना निकल जावे, ये यहां से डली तो अंदर चली जावे। मिश्री की डली है ये हरि नाम, इसलिए इस रस को कहा पीते रहो प्यारे, पीते रहो, क्योंकि ये रस केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है, धरती पर ही सुलभ है, निकल ना जावे थोड़ा सा भी, ये रस कहीं छलक ना जावे अंदर, इसको हम ग्रहण कर लेवे। तद हम देवी धाश्यामि सावधानतया शृणु, क्यों दूसरी बात इससे भी बढ़िया कही महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्रास त्रास निर्णाश हे तवे, तद्दहं देवी धाश्यामि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम, कि श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख को ग्रास होने के त्रास से बचाने के लिए ये भागवत कथा कही कि प्यारे काल का ग्रास तो एक दिन सबको बन जाना है, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु अमर वही है जिसने अपने जीवन को जीते जीते ही भगवान नाम में लगा दिया हो, प्रभु के नाम में लगा दिया हो। मरण तो उसी का सफल है प्यारे, मरण तो उसी का सफल है। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्यारे जो भागवत है ना, ये मरना सिखलाती है कि मरा कैसे जाए, मरा कैसे जाए, मुक्ति कैसे होवे। आजकल तो मानव को ठीक से मरना भी नहीं आता महाराज, जीना तो कहां आवे, मरना भी ना आवे। जीते जी दुखी रहेगा और जब मरेगा भी तो कहां, कहीं लटक के मर जावे महाराज। हम मरो तो अच्छे से मरो, और मरना किसका सफल है, जिसने अपने जीवन में सही ढंग से जीवन जिया हो वही अच्छे से मर सकता है। और जीने की कला कहते हैं, जीवन को जीने की कला ये मानस और भागवत सिखलाती हैं, और मरने की कला भी यही सदग्रंथ सिखलाते हैं। जियो तो कैसे जियो और मरो तो कैसे मरो। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं प्यारे, ए तस्माद परम किंचित मन शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम। ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना इस शुभ अवसर के ऊपर, ये आपका इस जन्म का कोई पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, न जाने कितने पुण्य इकट्ठे किए होंगे तब आप उन पुण्यों को इकट्ठे करके यहाँ भागवत सुनने को बैठे हो। जन्म जन्मांतर के पुण्य जिसके जागते है ना प्यारे, उसी को ही ये भागवत मिलती है, उसी को ही ये कथा मिलती है। साधारण नहीं है भागवत। कहा महाराज इसकी महिमा क्या है, ध्यान से सुनना। प्रेक्षिते कथां वक्तुं
सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन प्रक्षिते कथां वक्तुम श्री सुखदेव जी महाराज की सभा लगी हुई है। राजा प्रक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव अमृत का कलश लेके देवास्तत्र समागमन देवता वहां पर इकट्ठे हो गए। देवता इकट्ठे हो गए महाराज एवं विनिवेय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृत। महाराज हे राजा क्या करेगा कथा सुन के, जीवन ही तो चाहिए तुम्हें, तुम्हें शाप लगा है ना से सातवें दिन तक शक के काटने से तुम्हारी मृत्यु है जाएगी, डर है ना मृत्यु का, अमर कर देते हैं तुम्हें, परंतु एक शर्त है, ये अमृत तुम्हें दे रहे हैं इसके बदले ये कथा तुम हमें दिलवा दो। सौदा हो रहा है महाराज, परंतु राजा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं मानो ओ यहां सर दे के होते हैं सोते, यहां सर दे के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि यहां सर दे के होते हैं सोते। महाराज भगवान से प्रीति इतनी आसान नहीं है, आसान नहीं है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके और नाम प्रेम का ले। अरे लोभी क्या शीश कटाएंगे हाँ प्रेम में, हाँ आसान नहीं है शीश कटाने, यहाँ सर दे के होते हैं सोते। हे देवताओं कह रहे हैं सदगुरुदेव राजा देख लो सोता बढ़िया है, जीवन तुम्हें मिल रहा, अमृत तुम्हें मिल रहा, अमृत ही तो जीवन है इसे पी लो, कथा ही तो मांग रहे हैं तुमसे, कथा दे दो उनको। परंतु राजा बड़े समझदार हैं, राजा मन ही मन सोच रहे हैं गुरुदेव से कह रहे हैं सदगुरुदेव इस जल के ही कारण तो इतना बड़ा शाप लगा, इस झूठी पिपासा के कारण ही तो वो शाप भी फिर मेरे जीवन का पुण्य बन गयो। महाराज संत का शाप भी पुण्य बन जाता है प्यारे, संत की कठोरता में भी बड़ी विनम्रता होती है। कोई संत, एक संत बैठा करते थे महाराज अटारी के ऊपर, डंडा हाथ में रखा करते थे, लोग मिलने जाते दूर से ही डंडा मारते, यहां मेरे पास क्या लेने आता है, कछु नहीं मेरे पास। महाराज संसारी तो दूर से ही देख के भाग जाया करते थे, ये संत डंडा मारते हैं। पर एक प्यारा था बड़ा रसिक था, संत के पास गया, संत ने डंडा मारा, नीचे हाथ जोड़ के बैठ गया, महाराज एक और मार दो बड़ी कृपा है जो। संत ने फिर डंडा मारा, महाराज फिर कृपा कर दो ना, डंडा उठा और फिर नीचे गिर गए। संत कहता है मुझे तेरी ही तो तलाश थी, संत की मार में भी प्यारे भगवत कृपा होती है। ये दुनिया वाले इन डंडों की परवाह करके ही तो संत के शरणागत नहीं होते, भागवत के शरणागत नहीं होते, क्यों? क्योंकि यहाँ नियम थोड़े कठोर हैं। आजकल का मानव बड़ा लचीला है, आसानी से जो चीज मिल जाए, कहा महाराज भागवत में तो 4 घंटे बैठना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं मिलता कुछ कि 2 मिनट में कृपा है जाए, जहां 2 मिनट में कृपा हो जाए। महाराज कहा प्यारे ऐसी कृपा तो आजकल गोलगप्पे और चटनियों में मिल जाती है, जिस कृपा को हम ढूंढते हैं वो दुखों के निवारण तो दुनिया करती है, परंतु असली जीवन का जो सुख है ना वो सुख केवल भगवान नाम में है। प्यारे प्यारे प्रभु नाम में जो सुख है, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद ना ही जागीरी में, वो आनंद
केवल प्रभु नाम में है, केवल भगवान नाम में है। इसलिए प्यारे हे सतगुरुदेव, मुझे ऐसी अमृत की आवश्यकता नहीं, मुझे तो कथा अमृत का रसा पान करा दो, बस इसी का पिपासु हूं मैं। और इसलिए कहते हैं राजा ने अमृत पीने से मना कर दिया, हा? और श्री सुखदेव जी भगवान देवताओं के लालसा पे मुस्कुराए, अरे देवताओं कितना बढ़िया सौदा लेके आए थे, परंतु राजा ने नहीं किया। देवता विस्मित तो होके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी अचंभित है महाराज, पराजुली और पलड़े में तोला कि ये, कि ये भागवत क्या इस अमृत से भी बड़ी हो गई। मानस में पात स्वर्ग अपबेग सुख धरिय तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग वारि मथि घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल बिनु हरि भजन ना भवतरिया यह सिद्धांते अपील वारि मथि घृत होइ वरु। वारी के मतने से जैसे घी पैदा होता है, कोलू के पेड़ने से जैसे तेल पैदा होता है, बिनो हरि भजन न भवतरिया, भगवान के भजन के बिना भव से पार नहीं उतरा जा सकता, यह सिद्धांत पेल। तात स्वर्ग पवर्ग सुख, स्वर्ग के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रख दो और सत्संग की महिमा को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए। प्यारे सत्संग की महिमा स्वर्ग के सुखों पर भारी पड़ जाती है। जाढ़ियम धियो हरती सींचती वाच सत्यम मानोंतिम दिशतिम पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम कथ्य सतसंगति किम ना करोति पोसा। नीति का बड़ा प्यारा श्लोक है, ये सत्संग है ना, ये जाडियम धियो हरती, ये बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, जड़ बुद्धि को हरि नाम में लगा देता है सत्संग, वाणी का सिंचन कर देता है सिंचति वाच सत्यम मानोंतिम दिशतिम पापम पाकरोति, ना चाहते हुए भी आपकी कीर्ति को दसों दिशाओं में सत्संग पहुंचा देता है, चेता प्रसाद देती चित को प्रसन्न कर देता है। जितना आनंद भगवान की कथा में है ना, उतना आनंद और कहीं नहीं हो सकता, हो सकता हो तो बता दे कोई। चेता प्रसाद देती दीक्षित रोती कीर्ति कथ्या सत्संग की ना करो ते कुसा। प्यारी ये सत्संग क्या करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, ये सत्संग सब कुछ कर सकता है, महिमा है बड़ी सत्संग की। इसलिए प्यारे आज महिमा जानी ब्रह्मा जी ने, और कहते हैं समय बीता, एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चार ब्रह्म ऋषि, कहते हैं चार के चार ऋषि एक समय विशालापुरी में पधारे, बद्रीनाथ धाम में पधारे। महाराज यहीं पर आज लोक हित की परिभाषा जानने के लिए श्री नारद जी महाराज धरती पर आए, और प्रभु धरती पर घूमते घूमते आज ये विशालापुरी में पहुंचे। बड़े दुखी से हैं नारद जी, सनक आदि ऋषियों ने नारद के दुख का कारण पूछा। कथम ब्रह्मान दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव
कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर क्यों हो? हाँ, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो और आपका आगमन कहां से हुआ है? समय तो इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जाने पड़ते हो जिसका सब कुछ लूट गया हो। ये प्रभु, आसक्ति रहित जीव को यू दुखी नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। आपके दुख का क्या कारण है? परंतु नारद जी का दुख कोई अपना दुख नहीं था प्यारे। वृक्ष का बहु ना फल भखे, नदी ना पीवे नीर, परमार्थ के कारण ना संतन धरे शरीर। कि प्यारे, साधु पुरुष अपने लिए नहीं जीते। अयम निज परो वेत्य मैं गणनाम लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो सुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाला व्यक्ति करता है। जिसका हृदय विशाल होता है उसके लिए सारी पृथ्वी अपने परिवार के तुल्य होती है। इसलिए पर दुख कातर श्री नारद जी महाराज संत चरणों में प्रणाम करते हैं। कहीं संत मिल जावे ना, दूर से भी दिख जावे तो हाथ जोड़ देवे महाराज। आसान नहीं है संत दर्शन। और श्री नारद जी महाराज तो संत प्रेमी हैं, इसलिए प्रणाम किया महाराज, प्रणाम किया। प्रभु, आपके दुख का क्या कारण है? आप क्यों दुखी हैं? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं पृथ्वी पर लोक हित की परिभाषा जानने के लिए आया था, तो मैं घूमता घूमता धरती पर पहुंचा। महाराज, धरती पर मैं कहां पहुंचा? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेत्र बंधनम एवमादि शुतेर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं हरि क्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, नासिक, श्रृंग सेतु बंधन एवमादिषु तीर्थेषु, सभी तीर्थों पर गया। महाराज, क्या देखा अपने तीर्थों पर? सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः वराकाकुटभाषिणः। क्या देखा मैंने? धरती से सत्य समाप्त हो गया। बिना मतलब के ही आज का मानव 10-20 झूठ तो दिन में वैसे ही बोल देता है, बिना बात के ही, जबकि पता है उसको इस मेरे झूठ से कोई लाभ नहीं होएगा। और सच्ची बात बताऊं, ये झूठ बोलना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक झूठ बोल के मानव परेशान रहता है। कैसे परेशान रहता है? अगर आपने किसी से एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैंने इसको ये झूठ बोला था। और इसी चिंता में वो भूलता रहता है कि कहीं वो साल 2 साल बाद फिर मिले तो वो उसने बात फिर पूछ ली, फिर सोचेगा मैंने इसको क्या बोला था, और कहीं फिर सच निकल गया तो बन गया ना दुख का कारण। और अगर वहीं पर एक सच बोल दिया होता तो महाराज फिर चिंता, इतनी चिंता ना होती। प्रभु, सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते, सत्य नहीं। दूसरे, तप भी समाप्त हो गया। संध्या उपासना में त्रिकाल संध्या हुआ करती थी, 3 समय की संध्या,
अब त्रिकाल संध्या तो कौन करे महाराज, आज तो मानव एक काल की संध्या के लिए भी ठीक से नहीं बैठता। सनातन में त्रिकाल संध्या बतलाई गई है, परंतु क्या एक काल की संध्या भी हम करते हैं, ये बात तो हम ही जानते होंगे, और कौन जाने। एक काल की संध्या भी सदगुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिया, उस मंत्र का क्या जाप करते हैं, उसे भी छोड़िए कि अच्छे से 10 मिनट भी आसन पे बैठ के अच्छे से, ऐसे नहीं कि बैठे आसन के ऊपर हैं, अरे दूध वाला आ गया जरा देखो आया तो नहीं, अरे सब्जी वाला तो नहीं आ गया, अरे ये तो नहीं आ गया, वो प्रेस वाला कपड़े लेके आ गया होगा, देखना जरा, ये चिंता ही घुलती रहती है महाराज। आसन पे बैठे हैं, फोन हाथ में है, अरे जरा उसको फोन कर लूं थोड़ा सा बीच में, फिर थोड़ी संध्या बाद में है जाएगी। ऐसी संध्या नहीं, वो जो 10 मिनट है वो 10 मिनट तो केवल भगवान के हों। कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ कहते तो हैं हम सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, परंतु नाम का आधार भी तो सच्चा होना चाहिए प्यारे, थोड़ा सच्चा हो गए नाम का आधार। इसलिए महाराज कहते हैं कि ना तप रहा आज के मानव के पास, बैठना तो कोई चाहता नहीं, कई लोग तो बस इसी चिंता में, हाँ आप तो बड़े अच्छे हैं, कई जगह पे तो ऐसा होता है कि यही सोचते रहते हैं महाराज जी कब कथा करें, कब मैं उठ के घर जाऊं, आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे भक्त हैं हमारे पंचकूला के, भगवान के नाम के रसिक हैं। इसलिए तपः शोचम दया दानम न विद्यते, दया भी समाप्त है गई महाराज और दान भी समाप्त है गया, और उदरम भरिणो जीवा, पेट पूर्ति के लिए जीव लगा है, वराक कूट भाषण, झूठ भी बड़ा प्यारा बोलता है महाराज, बड़ा मीठा बोलता है। फिर कहा महाराज मैं घूमते घूमते आगे गया, मैं भटकते भटकते घूमते घूमते आज मेरी किस्मत मुझे जमुना के पुलिंद पे ले गई, जमुना के पुलिंद पे बसा है सुंदर श्री धाम वृंदावन। प्रभु मैं वहां गया और मैंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा, एक स्त्री जमुना जी के पुलिंद पर बैठी है, उसके पास दो वृद्ध अचेतन लेटे हुए हैं। मैंने उस स्त्री के पास जाना चाहा, उससे पहले ही उसने मुझे पुकार लिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम, सर्वथा घरम परम। बहुत बहुत साधु, अरे अरे साधु क्षणम तिष्ठ, जरा रुकिए ना, जरा ठहरिए ना, मम चिंताम विनाशय, मेरी चिंता का निवारण कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य, संत का दर्शन मात्र करने से सर्वथा हरम परम, जीवन के सारे अघ सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज नारद जी महाराज चंबित होके पूछते हैं, देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो और तुम्हारे दुख का क्या कारण है। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, ध्यान से सुनना, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिन जर्जरो, काल योगिन जर्जर। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं, इमो में तनियो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम मानो, एक का नाम ज्ञान है दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगिन जर्जरो महाराज, समय के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए हैं,
अरे उस माता की क्या दशा होती होगी कि माँ तो यौवन अवस्था में और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम करनाटके गता क्वचित क्वचिदं महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हो, वृद्धि मेरी कर्नाटक में हुई, क्वचित क्वचित कुछ कुछ क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होती हुई जब मैं गुर्जर प्रदेश में पहुंची, मेरी काया जर्जर होने लगी, मैं ढलने लगी और जीर्णताम गतः धीरे धीरे मैं क्षीण हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। फिर कहा जब मैं वृंदावन पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु साम्प्रतम पृष्ठ रूपा तु साम्प्रतम। वृंदावन में पहुंच के मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े रहे। धन्यम वृंदावन मतेन भक्ति नृत्य श्री धाम वृंदावन, जहां भक्ति महारानी सदा नृत्य करती है। वृंदावन में जाके भक्ति स्वतः जवान हो जाती है प्यारे, वृंदावन की महिमा को जाने ना ही कोई, यहाँ डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हुए कि प्यारे वृंदावन की महिमा कुछ ऐसी है कि वहां वृंदावन का नाम सुनते ही उमंगे हृदय की उमड़ने लग जाते हैं। बड़ा प्यारा है श्री धाम वृंदावन, भक्ति जवान हो जाती है परंतु ज्ञान वैराग्य। कथा में जब तक भजन चलते रहे बड़ा आनंद आवे महाराज, जहां पे थोड़ी ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हुए ना। एक माता, एक दिन कथा चल रही थी हमारी और कथा के बाद प्रसाद लेने आई ऊपर, कहा महाराज जी बड़ा आनंद आ गया आपकी कथा में। हमने कहा मैया कौन सा प्रसंग अच्छा लगा इतना आपको, इतना आनंद आ गया। कहा महाराज प्रसंग व्रसंग का तो मुझे पता नहीं, आपकी कथा में नींद बड़ी बढ़िया आ गई महाराज, बड़ी प्यारी नींद आती है जब संस्कृत के श्लोक बोलते हो। हमने कहा मैया तेरे को हाँ सौभाग्य है मेरा कि हाँ तुझे वैसे गोलियां लेके भी नींद नहीं आती, कम से कम ये श्लोक सुन के तुझे नींद तो अच्छी आ गई कथा में, चार घंटे सो तो गई, तू धन्य है माता। तुझे नींद आ जाए ये लोरी तुझे अच्छी लग जाए इससे बढ़िया मेरे जीवन का क्या सौभाग्य हो सकता है कि प्यारे ये कथा तुम्हें निद्रा ला दे। हाँ निद्रा भी तो माँ का ही रूप है, भगवती का ही रूप है। वो कहते या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा का ही तो रूप है, भगवती का रूप है ये प्यारे। कथा जीवन की व्यथा समाप्त कर दे जैसे भी कर दे, आजकल तो 20-20, 50-50 गोलियां खाके भी नींद नहीं आती मानव को महाराज। रात को इसी टेंशन में दिन बीत जाता है कि रात को सोऊं कैसे, फिर वो गोलियों का सहारा लेता है कि प्यारे ये कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा जैसे भी समाप्त कर दे। मैंने तो मैया को वही बात कही, प्रभु कहते हैं कि आज भक्ति महारानी के दुख को नारद जी ने जाना और कहा वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरह कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यसे स्मर दुखम गमिष्यसे।
देवी क्यों चिंता करती हो, वृथा खेदी से बाली हो चिंता तुराह कथम। भगवान श्री कृष्ण रूपी चरणों का सहारा लेकर जीव भव से पार उतर सकता है, इसलिए तुम उन्हें के चरणों के शरणागत हो जाओ। और यूं कहके श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को नाम संकीर्तन की महिमा बतलाई। एक समय तो महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जब वो कथा वो हरि नाम सत्संग मिला तो थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य उठ के बैठने लगे। परंतु जैसे ही वो नाम संकीर्तन समाप्त हुआ दोनों के दोनों फिर से क्षीण है गए कि प्यारे हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी स्थिति है। ये भागवत कथाएं सत्संग जो बरसता है 7 दिन तक, तब तक तो हम जाग जाते हैं। चौकीदार जो चौकी पे बैठता है, ये सतपुरुष संत जो कथा सुनाते हैं चौकी पे बैठे, कौन होता है वो चौकीदार होता है। और आप कौन है? जमींदार। जमीन पे बैठने वाले जमींदार। चौकीदार डंडा मारता है, जागते रहो। रात को एक बार डंडा जब जोर से पड़ता है तो हम उठ जाते हैं, अरे उठ जाओ, वो कह रहा है जागते रहो। परंतु जैसे ही वो अगली गली में पहुंचा फिर से हम सो गए। ये कथा आपको जगाने आती है, ये जितनी भागवत कथाएं हो रही हैं हमें जगाने के लिए हो रही है कि हम जागते रहे, सोए ना। इसलिए नारद जी महाराज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को सत्संग सुनाते हैं। जैसे ही सत्संग संपूर्ण होता है फिर गिर जाते हैं, फिर चिंतित तो हो जाती है भक्ति महारानी। और नारद जी महाराज आश्वासन दे के कहते हैं, देवी मैं तुम्हारे दुख का निवारण ढूंढने जाऊंगा। यूं कह के आगे बढ़े और कहते कहते आज बद्रिकाश्रम धाम में पहुंचे। यहां पर इनकी भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। महाराज मुस्कुराए सनकादि ऋषि के, हे नारद जी अहो भाग्य सच्ची ही तो बात है कि संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। संत दुखी होता है तो दूसरे के दुख से दुखी होता है। अब अगताश्च विज्ञाय ना ददोसा कथामृतम श्रीमद भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। हे प्रभु ये जो कथा है ना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्या आपने उनको भागवत कथा सुनाई? का महाराज 4 वेद सुना दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 6 वेदांग सुना दिए, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, महाराज और क्या क्या सुनाऊं? क्या भागवत इनसे विलग है? मुस्कुराए सनकादि ऋषि के, हे नारद जी आपको इससे पहले भी एक बार भ्रम हुआ था, आपको भ्रम हुआ था इससे पहले भी आप वो भागवत उसका रसपान कर चुके हो, परंतु फिर भी कथा तो हमने भी कई बार सुनी परंतु भ्रम फिर भी जाग जाते हैं। महाराज कितनी बार सुन ली भागवत कथा, का होगा कथा सुनने से? प्यारे ये पुरानी होके भी नई है हर बार। भागवत कथा पुरातनम इति नवः पुराण क्या होता है? जो पुराना हो के भी नया हो, और भागवत से बढ़िया पुराण कौन सा हो सकता है? इसलिए जितनी बार सुने कथा उतनी जीवन की व्यथाएं समाप्त हों। प्रभु आज उदाहरण दिए बड़े बड़े हैं कि दूध को पी के घृत का स्वादन नहीं किया जा सकता, गन्ने को खा के गुड़ का स्वादन नहीं किया जा सकता, गन्ने को गुड़ बनने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, दूध को घी बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। ये भागवत कहते हैं उसी दूध का पका के घी बनाया गया महाराज, उसी गन्ने का पका के गुड़ बनाया गया रस है। इसलिए इस छने हुए रस को तुम भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ। का महाराज फिर आपसे बढ़िया वक्ता कौन हो सकते हैं? कहते हैं हरिद्वार के आनंद घाट के ऊपर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्म ऋषि कथा सुनाते हैं। कथा 7वें दिन में प्रवेश करती है, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के संग खड़े होकर नृत्य करती है, नृत्य करती है भक्ति महारानी।
प्रश्न हुआ महाराज ये भक्ति का स्थान कौन सा होएगा? ना हम वसामि वैकुंठी योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कि ना मैं वैकुंठ में निवास करती हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करती हूँ। मेरे भक्त इकट्ठे होके जहाँ पर मेरे नाम का गुणगान करेंगे, मैं वहीं पर निवास करूंगी। यही भक्ति महारानी का स्वरूप है प्यारे, यही भक्ति महारानी का परिचय है। इसलिए कहते हैं इसी भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति महारानी का दर्शन आज समस्त संत पुरुष भगवत पुरुष इसी भक्ति महारानी का दिग्दर्शन करते हैं और अपने मन में बिठाते हैं। आइए भक्ति महारानी को हृदय में बिठाते हुए हम और आप सब भी हरि नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। Krishna
दोनों हाथ ऊपर उठा वैराग्य नारद जी के द्वारा सदुपदेश और सनत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्म ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवती कथा आज नृत्य हुआ बड़ा भारी और यहां पे प्रश्न उठा कि महाराज इस कथा को श्रवण करके क्या कोई बड़े से बड़ा पात की भी तर गया। सदगुरुदेव सुनाते हैं महाराज, प्रसंग सुनाते हैं धुंधुकारी का, भागवत की महिमा है इसलिए धुंधुकारी की कथा जरूर सुननी चाहिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। क्या हो, अब आपको एक ऐसा इतिहास सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से बड़ा महापाप की भी तर जाता है, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पतनम उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर कहते हैं एक सुंदर ग्राम बसा हुआ था। महाराज यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः, वहां पर रहने वाला हर मानव अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कर्म को करता था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रुत समार्ते सुनिष्णात द्वितीय भास्करः। इसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी रहा करते थे महाराज। श्रुत समार्ते सुनिष्णात द्वितीय भास्करः, श्रुत समार्थ कर्मों में ये प्रवीण थे। द्वितीय भास्कर ज्ञान में अद्वितीय है इसलिए ये दूसरे सूर्य के समान चमकते हैं। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में सारे सुख हैं, दुख है तो केवल एक कि घर में कोई संतान नहीं, इसलिए पत्नी ताने देती है। दुखी होके आज श्री आत्मदेव जी महाराज वनों को चल पड़े। सोचने लगे इस जीवन का भी क्या लाभ, ऐसे जीवन को जीने का कोई लाभ नहीं, इसलिए वन में जाके सर को पत्थर पर मारने लगे। उसी समय सामने से संत दर्शन हुआ। संत ने कहा, रे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, क्यों मरने का प्रयत्न कर रहे हो? कहा, महाराज ऐसे टूटे जीवन को जीने का भी क्या लाभ है, जिसमें पुत्र सुख ही ना हो। महाराज संत ने माथे की रेखाओं को देखा और देखकर कहा, हे विप्र,
इस जन्म में तो क्या तुम्हारे तो सात जन्मों में भी कोई संतान नहीं हो सकते महाराज? थोता उपदेश देने से क्या होता है, कोई कृपा करो तो जाने। मैंने तो सुना है कि जो कृपा संत कर सकते हैं वो कृपा तो भगवंत भी नहीं कर सकते, इसलिए कोई कृपा करो ना, कोई प्रसाद दो। द्रविभूत हृदय, हाँ संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए संत का हृदय महाराज नवनीत के समान है, माखन के समान कोमल होता है, किसी का दुख नहीं देख सकता। संत से रहा नहीं गया, नहीं मानते आत्मदेव एक फल दिया, कहा लो इसको पत्नी को खिला देना। फल को लेके आत्मदेव घर को गए, पत्नी को कहा देवी ये फल खा लेना, संत की कृपा होगी। धुंधली संत की फल की परीक्षा को लेना चाहती है परंतु उसको खाना नहीं चाहती। परीक्षा तो लेना चाहता है आज का मानव परंतु परीक्षा देना नहीं चाहता प्यारे। किसी की परीक्षा लेने के लिए आतुर तो बड़ी जल्दी हो जाता है। यही तो हुआ, नंदली ने घर के बाहर बंधी हुई, घर के बाहर बंधी हुई गऊ को महाराज वो फल खिलाया। धुंधली की एक बहन है, घर पे आई हुई है। धुंधली अपनी बहन से कहती है, बहन तेरे पति को धन चाहिए और मेरे पति को संतान, तेरे संतान होने वाली है, कुछ दिन में स्वांग कर लूंगी गर्भवती होने का, अपनी संतान तो बाद में मुझे दे दियो, उसके बदले मैं तुझे धन दे दूंगी। समय बीता, धुंधली अपनी बहन के पास जाकर रहने लगी। महाराज आज वो दिन आया, धुंधली के बहन के संतान हुई। आकाश में घन अंधकार कोहरा छा गया। आत्मदेव जी को जब ये सूचना मिली दौड़े अपने पुत्र को देखने के लिए, प्रसन्न हुए हाथ में पुत्र को लेके, परंतु सोच रहे हैं इसका नाम मैं क्या रखूं। सोचते सोचते कहते हैं यह आत्मा तो जाए तैसा ज्ञान, जो आत्मा का पुत्र है उसका नाम ज्ञान होगा, उसका नाम ज्ञान होगा। परंतु धुंधली की पाप मती जागी, अरे जाओ ना छोड़ो, ये तो मेरा पुत्र है, इसका नाम तो मैं रखूंगी। धुंधली ने सोचा, अपनी कुबुद्धि लगाई, यह आत्मा तो पुत्र से ज्ञान, और जो धुंधली का पुत्र होगा वो कौन होगा, साधुंधुकारी। महाराज यथामति तथा गति, जैसी मानव की मति होती है वैसी गति होती है। यथा नाम तथा काम, नाम रखा धुंधुकारी और उसके कर्म भी धुंधुकारी वाले बने महाराज। दूसरी ओर गौ के भी प्रसव हुआ और गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी महाराज दौड़े गए और दौड़कर जैसे ही उस बालक को हाथ में लिया, उसका मुख तो बालक का है परंतु उसके कर्ण गौ के समान है। यश्य गौ समान करना, हसा गौ करना, जिसके गौ के समान बड़े बड़े कर्ण हैं उसका नाम गोकर्ण है। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। नाम के अनुरूप गोकर्ण जी महाराज 5 वर्ष के काशी जी में पढ़ने गए, और वही धुंधुकारी बुरे कर्म करता है, छोटा सा ही पशुओं के बच्चों को उठा उठा के कुएं में डाल देता है, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चों को मारता है फटकारता है। मैया ने कई बार, पिता ने कई बार कहा कि अरे धुंधली देख तेरा लाला बिगड़ गया है, इसे समझाओ। पर्दा डाल देती है धुंधली अवगुणों के ऊपर, अरे तुम मेरे लाला के पीछे पड़े हो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा, इसने क्या बिगाड़ा है। कई बार बालक को ज्यादा लाड फट, ज्यादा प्रेम बिगाड़ देता है महाराज। इसलिए आज यही तो हुआ, वो बुरे कर्मों पे पर्दा डलता रहा और धुंधुकारी पापी बनता गया, और बनता बनता जितना बड़ा पापी बन गया
कि चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा। घर में जितना धन रखा था सारा का सारा दुर्व्यसनों में लगा दिया। और महाराज एक दिन अपनी माँ के पास आया, आकर कहने लगा घर में जितना धन रखा है मुझे दे दे। धुंधली कहती घर में कुछ नहीं रखा। आज फिर समझाया था आत्मदेव ने, धुंधली ना मानी, आत्मदेव को भी गालियां देता। आत्मदेव मन ही मन सोच रहे हैं कैसी संतान जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आज वही संतान मुझे दुत्कारती है, मुझे गालियां देती है। प्रभु एक दिन गोकर्ण जी महाराज का आगमन हो, प्रणाम किया, कहा महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने आज्ञा दी, देहे अस्मिन् मास रुदिरे अभिमतिम त्यजतवम जाया सुतादीशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगमिष्ठ। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, हे पिताजी यह जो शरीर है ना, ये हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं ममता छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थाई समझकर उसमें राग ना लगावे। कहु कश्य भार्या कहु कश्य पुत्र हार्थ काले में संबंधो कहु कश्य परिवेदना। अरे कौन किसका है प्यारे, संबंध तो केवल एक है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संबंध तो केवल एक अपना लो प्यारे की मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। इसलिए हे पिताजी सब छोड़ छाड़ के बस सम्यक पथ पे निकल जाओ। और कहते हैं वहीं से आत्मदेव जी सब छोड़ के चल पड़े। धुंधली ने भी एक दिन कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। धुंधकारी पाप कर्म करता एक दिन बुरी स्त्रियों को घर में ला के रखा, राजा का धन चुरा के लाया था रात को। स्त्रियों ने सोचा ये खुद तो मरेगा हमें भी मराएगा। रात के समय एक कपड़े के ऊपर मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई और धुंधकारी के मुख के ऊपर कपड़ा ढका और ढक के जला के मार डाला। गया जी में श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके आज श्री गोकर्ण जी महाराज अर्धरात्रि में जब अपने घर को पहुंचे, दरवाजा बंद किया, लेटे, अर्धरात्रि में वो धुंधकारी प्रेत बनकर श्री गोकर्ण जी महाराज को डराता है। जल का छींटा हाथ में लिया, ऊपर डाला, कहा कौन हो तुम। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामनः स्वकीय नैव दोषीण ब्राह्मणत्व नाशितम्। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि स्वकीय नैव दोषीण, अपने ही किए हुए बुरे कर्मों के कारण आज मैं प्रेतियों में पड़ा हूं। अरे भाई तेरे लिए तो मैंने क्या क्या नहीं किया। गया जी में जाकर श्राद्ध तर्पण कराया। बात समझने की है कि गया जी में जाके श्री गोकर्ण जी महाराज ने जो श्राद्ध तर्पण कराया तो धुंधकारी को किसका पुत्र बताया, आत्मदेव जी का, क्योंकि उनके लिए तो आत्मदेव का पुत्र है वो। परंतु वास्तव में क्या वो आत्मदेव का पुत्र है। कहते हैं अगर संकल्प भी गलत दिशा का हो जाए तो फिर फल भी दूसरा ही देता है। महाराज जिसके निमित्त जो संकल्प कराया जाए फल तो उसी को मिलेगा ना, तो इसलिए संकल्प की दिशा सही होनी चाहिए। कहा भी तो तुम जाओ हे धुंधकारी, अपने स्थान पर जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूंगा।
प्रातः काल हुआ, गांव वाले सभी इकट्ठे हो गए और श्री गोकर्ण जी महाराज आज बैठे चिंता कर रहे हैं कि धुंधुकारी की मुक्ति कैसे होवे। सूर्य आकाशवाणी हुई, सूर्यवाणी हुई, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम, धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद भागवतान मुक्ति भागवत सप्ताह का अगर वाचन हो तो धुंधुकारी की मुक्ति हो सकती है। प्रभु आकाशवाणी श्रवण करके भागवत की तैयारी हुई, श्री गोकर्ण जी महाराज कथा के वक्ता बने, धुंधुकारी ने सात गांठ के बांस में स्थान लिया और महाराज समस्त ग्रामवासी वहां पर बैठकर कथा सुनते हैं। प्रथम दिन की कथा हुई, एक गांठ खुली, दूसरी दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुली, यूं करते करते सातवें दिन की जब कथा हुई, सातवीं गांठ खुल गई, प्रेत मुक्त हो गया। और कहते हैं महाराज ये बंधन कौन से हैं, किन बंधनों में बंधा था वो प्रेत? कहा वास्तविक प्रेत कौन है? कहा ये मानव ही तो वास्तविक प्रेत है जो जगत के द्वंद्वों से बंधा हुआ है। किसी को काम ने जकड़ा, किसी को क्रोध ने, किसी को लोभ ने, किसी को हिंसा ने, महाराज ये जीवन के समस्त बंधन है और इनसे मुक्त होने का एकमात्र संसाधन हरि नाम है, भगवान नाम है। वैकुंठ से विमान आया, धुंधुकारी आरूढ़ होने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज कथा तो यहाँ पे बैठ के सबने सुनी, अब फिर श्रुति फल भेद क्यों? विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? अरे पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो यहाँ पे बैठ के सबने सुनी, परंतु कथा का मनन केवल धुंधुकारी ने किया, इसलिए विमान धुंधुकारी के लिए आया। कथा सुनना बड़ी बात है प्यारे, परंतु कथा सुन के उसके ऊपर मनन करना वो उससे भी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आप फिर से कथा कहना, इन सब के लिए विमान आवेगा। और कहते हैं आगे चल के फिर कथा हुई और सबको विमान में सब आरूढ़ होके कहते हैं वैकुंठ को गए। बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगले जोड़ी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु आगे चलकर वर्णन हुआ, यहां तक तो महत्व में हो गया कि प्यारे भागवत कथा करानी कैसी चाहिए, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा हो। सूक्ष्म रूप में हम सुनेंगे कुछ क्षणों की कथा कि सर्वप्रथम भागवत कथा कराने के लिए कहते हैं मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त में भगवान का नाम, अगर किसी संकल्प के द्वारा कथा, हाँ संकल्पित मन से कथा कराई जाए तो किसी शुभ मुहूर्त में भागवत का आयोजन कराना चाहिए। महाराज कैसे कथा करानी चाहिए? कथा की खुशी ऐसे होनी चाहिए जैसे बेटे बेटी की शादी की खुशी होती है। बेटे बेटी की शादी की जैसे खुशी होती है ना, ऐसी खुशी भगवान की कथा के लिए होनी चाहिए। बहुत पहले से ही कथा के लिए सबको निमंत्रण देना चाहिए कि आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाँ जो अपने हैं उनको तो बुलाओ प्यारे, जो पराए हैं उनको भी बुलाओ। हाँ सबको बुलाओ, शादी में सबको बुलाते हैं ना,
अपनी खुशी सबसे बांटते हैं तो क्या भागवत से बड़ी कोई खुशी हो सकती है। इसलिए प्यारे सभी को इस प्रसन्नता में कहते हैं मिलाना चाहिए, सभी को बुलाना चाहिए। प्रभु दूसरे बतलाया गया इसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। कहते हैं भागवत का बड़ा सुंदर पंडाल सजाना चाहिए, अपने घर से बढ़िया सफाई भागवत पंडाल की हो, बड़ा सुंदर सुसज्जित पंडाल हो, जैसा सुंदर सुंदर व्यवस्था हमारे इस सुंदर परिवार ने इस भागवत कथा को कराने के लिए की। कितना सुंदर पंडाल लगा, कितने पहले से ही इस कथा की व्यवस्था बन गई, कितने पहले से ही जय पारस चैनल को निमंत्रण दिया गया और कि आओ तुम आके इस कथा को दुनिया तक पहुंचाओ। और हृदय से अगर कहूं तो इस परिवार की जो प्रसन्नता है ना, वो बेटे बेटी की शादी से भी ज्यादा बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे भक्त कली काल में बहुत कम मिलते हैं जिनको भगवान के नाम की इतनी खुशी होती है, प्रभु के नाम की इतनी प्रसन्नता होती है। ऐसे भक्त बड़े बिरले होते हैं मेरे प्यारे। दुनिया के कामों की खुशी तो बड़े बड़ों को हो जाती है, हमने देखा है, हमने देखा है। ये जो भागवत कथा है ना, ये सभी बाधाओं को दूर करने वाली कथा है। हम तो कई बार सोचते हैं कि कई बार तो लोग बड़े बड़े संकल्प करके भी पीछे हट जाते हैं। महाराज बहुत दुनिया को हमने देखा है, संकल्पित होते हैं कि महाराज मैं भी कथा कराऊं, कई बार मुख से निकाल दे महाराज मेरा भी बड़ा मन है कथा का, परंतु जब कथा कराने की बात आती है तो फिर बड़ा कुछ याद आ जाता है, परंतु वो बड़ा सौभाग्यशाली है प्यारे जिसको भागवत कथा कराने का अवसर मिले। और इस अवसर को जो अपने हाथ से ना जाने दे, उससे बड़ा सौभाग्यशाली दूजा और कोई नहीं हो सकता। हमने कई बार देखा है कई लोग कहते हैं महाराज अभी कौन सा उम्र हो गई भागवत कथा कराने की। अरे मेरे प्यारे ये कुछ जरूरी है कि इससे अगली उम्र तू देखेगा, ये जरूरी है क्या? कहीं कहते हैं महाराज बुढ़ापे में करा लेंगे, ये गारंटी है तेरी कि तेरा बुढ़ापा आएगा, इस बात की गारंटी है क्या? कहीं कहते हैं महाराज अभी तो बेटे बेटियों की शादी कर लें फिर देखेंगे भागवत कथा, भरोसा है कि वो बेटे बेटियां बाद में तुम्हें कथा कराने देंगे? तुम्हारे धन के ऊपर वो सांप बन के ना बैठ जाए, फिर सोचना भागवत कथा कराने का, होगा ऐसा होता है। इसलिए मेरे प्यारे कहते हैं अच्छा विचार ज्यादा देर तक मन में नहीं ठहरता, बुरा ठहरा रहता है। रावण दो शिक्षाएं देते हैं लक्ष्मण को मरणासन समय पे। भगवान राघवेंद्र कहते हैं लखन को, लखन जाओ इनसे कुछ ले लो जाके, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे कुछ शिक्षा ले लो। लखन गए पास में, रावण ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि लखन जी तुम्हें दो शिक्षाएं देता हूं, अगर इस मन में किसी का बुरा करने का विचार आए ना तो लाख बार सोचना बुरा करने से पहले, लाख बार सोचना कि मैं किसी का बुरा करूं, सोच सोच के मन बदल जाएगा अपने आप, परंतु अगर कोई अच्छा विचार मन में आ जाए ना सोचना मत, उसे तुरंत कर डालना, क्योंकि अच्छा विचार ज्यादा देर तक मन में नहीं टिकता। अच्छा विचार ज्यादा देर तक मन में नहीं टिकता, एक बार तो मन में आ जाता है मैं भी कराऊं मैं भी करूं, परंतु जब कराने का समय आता है तब विघ्न सामने आ जाते हैं, और विघ्नों से जो पार उतर जाए वही मेरे भगवान का प्यारा हो सकता है, वही मेरे भगवान का प्रिय हो सकता है। इसलिए प्यारे अगर संकल्प जाग जाए ना तो फिर उस संकल्प को कर लो, उस संकल्प को कर लो, और फिर उस संकल्प को करके और फिर उस संकल्प के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही, जीतेगा वही जो सोचता है कि वो कर सकता है, जिसने सोचा ही नहीं वो क्या करेगा।
जिसने सोच लिया तो सत्संकल्प में तो ठाकुर मिल जाते हैं। इसलिए भागवत की व्यवस्था मन से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए प्यारे। फिर वर्णन हुआ महाराज कि भागवत को, भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए, भागवत को कहने वाला कौन होना चाहिए। कहते हैं अवैष्णव मुखादना गाथा श्रोतव्या, ना तो स्त्री मुखाद गाथा श्रोतव्या। भागवत कथा केवल ब्राह्मण मुख से ही सुननी चाहिए, अवैष्णव के मुख से कभी भागवत कथा, अन्य किसी के मुख से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, ना तो स्त्री मुखाद और ना ही स्त्री के मुख से कथा सुननी चाहिए। क्यों? कहते हैं जो स्त्री और अवैष्णव के मुख से कथा सुनता है ना, वो कहते हैं नरक का भागी होता है। ये भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए कथा स्त्री मुखाद, उस मुख से कथा कराने वाला भी नरक का भागी होता है और उसको सुनने वाले भी नरक का भागी होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। प्रभु आगे चल के वर्णन आया भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए। भागवत का श्रोता भगवान का प्यारा होना चाहिए, जिसको भगवान के ऊपर कोई शंका ना हो वही भागवत कथा सुन सकता है। शंकित मन कलंकित मन होता है प्यारे, हम शंका में जो रहता है वो लंका में रहता है। इसलिए शंकित मन से कथा नहीं सुननी चाहिए, मन को बड़ा करके कथा सुननी चाहिए। और प्रभु नियम क्या है भागवत के, कहते हैं हो सके तो व्रत रख के भागवत कथा सुनो, हो सके तो व्रत रख के भागवत कथा सुनो, व्रती होके कथा सुनो, ना हो सके तो एक समय भोजन करके भी कथा सुनो, शरीर ना माने तो दो समय भी करो कोई बात नहीं, पर कथा सुनो। तीसरे कहा गया महाराज भूमिशाही हो, धरती पे सोया जाए, भूमि माता है और भूमि पर श्रवण सोने से हमारे विकार समाप्त होते हैं, इसलिए भूमिशाही हम बने। अनेक अनेक नियम गाए गए बताए गए, परंतु कली काल के हम जीव हैं, शायद ज्यादा नियमों को ना निभा पाए, इसलिए जितने निभाए उतने कर ले में, परंतु कथा सुन ले में। इसलिए बंधुओं यही कथा की महिमा गाई गई।
सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं मुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोभिनेदुहतम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि किरीटकैर्महार्हनिष्कै मन्युतमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीतांबरं कांचनचित्रनद्यं मालाधरं केशवं मभ्युपें कांतिः सीता मृषते निंदित शारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीताङ्गशोभा वृन्दावने अपि हृदयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं
नमामि। श्री राधा मुकुंद युगलम तद्दहम नमामि। वंशी विभूषित करावन वनीरदाभा पीतांबरादरणं बिंफलादरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रीथासुतं। सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं काममग्नं कामाभावाय कामये। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्ग्रहात्। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरैकपरायणं यशेव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृतो। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्री वंदे युगल रूपिणम्। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री राधा कृष्ण युगलम् तद्दहं नमामि। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार और ऋषभानु की लाडली नक मेरे ओर निहां। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम।
जिनके युगल चैनन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जे राधीजे राधी राधी जय राधी जय श्री राधी जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा चंदा
प्यारी श्री राधे श्री कृष्ण जय राधे।
चुकिया हरि आपने हरि आप ही कारण योग्य चोक चुकिया हरि आपने हरि आप ही करने योग्य ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधेश बोलो श्री राधेश अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रजजन नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी मां मनसा जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद आचार्य वृंद ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं और मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
पुनः किशोरी जी की हेतु की कृपा आज हम सबके ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत परिणाम को मानते हुए आज हम और आप सभी राधा रानी की गोद में आके आज फिर विराजमान हुए। धन्य ही है भागवत धर्म और धन्य ही है भागवती वार्ता कि जिसके शरणागत तो होकर जीव किशोरी जी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। अनेकों अनेक ऋषियों के द्वारा भगवान की महिमा गाई गई, भगवान के महात्म्य का वर्णन किया गया, भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया कि ये महिमा बड़ी व्यापक है। प्यारे भगवान की महिमा बड़ी व्यापक है। भगवत महापुराण रूपी फल जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए आज फिर इसके विषय में बतलाया गया, भागवत के विषय में बतलाया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फल शुक्ष मुखाद द्रव्य संयुतम हुर हुर सिका भूमि भाव का मुहुर हुर सिका भूमि भाव का। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुक रूपी तोते का मुख लग जाने से ये फल और ज्यादा मीठा हो गया। कई बार हम ये उदाहरण दिया करते हैं कथा में कि छोटे छोटे जब हम हुआ करते थे तो वृक्ष के ऊपर फल ढूंढा करते थे। ऐसा फल ढूंढते थे हम जिसको तोते ने अपना मुख लगा दिया हो, क्योंकि हमें विश्वास होता था जिस फल के ऊपर तोते ने मुख लगाया होगा वो फल मीठा ही होगा। प्यारे एक साधारण जीव का अगर तोते के मुख के ऊपर इतना विश्वास है कि तोते ने मुख लगा दिया तो फल मीठा ही होगा, तो फिर सोचो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए जब श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर जब शुक रूपी तोते ने वो अपना मीठा सा प्यारा सा मुख लगा दिया हो तो क्यों ना फिर हम सब जीवों। तभी तो ऋषि बार बार कह रहे हैं वयं तो नामी तृप्यामः उत्तम श्लोकम् विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे। कि पुण्य कीर्ति भगवान की लीला को सुनने से कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रसक के श्रोताओं को पग पग के ऊपर भगवान की कथा में आनंद बढ़ता चला जाता है। कितनी लीलाएं हैं मेरे भगवान की, कभी कल्पना करके देखना कि भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने कालिया का मर्दन किया, भगवान ने गिरिराज को धारण किया, मेरे भगवान ने ब्रजवासियों के पेट को भरा, कितनी कृपा करी मेरे भगवान ने। सारे जगत को पालने वाले मेरे परमेश्वर हैं, उन लीलाओं को याद करना बैठ के रसज्ञ श्रोता का तो आनंद इस कथा को श्रवण करके बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। जो लीलाएं मेरे भगवान ने की वो तो की, परंतु घर में कभी अकेले बैठे हो कल्पना करनी पड़ जाए तो प्यारे झूठे जगत की कल्पना क्या करनी है। कल्पना करो तो अपने परमेश्वर के विषय में, भगवान के विषय में कल्पना करना कि हे ठाकुर
आना मैं तुझे सजा दूं, मैं तुझे संवार दूं। मेरे हाथ दुनिया के कार्यों में बड़े लगते हैं, क्यों ना इन हाथों से मैं आपकी सेवा कर लूं। ये हृदय दुनिया के लिए बड़ा रोता है, क्यों ना आज ये हृदय हे ठाकुर तेरे लिए मुस्कुराए, तेरे लिए रोए, तेरे लिए क्रियाएं करे। मन के भाव जागृत हो जाएं अपने परमात्मा के लिए, हमारी बुद्धि मन सहित भगवान के चरणों में लग जाए। यही तो बात हमें भागवत सिखलाती है प्यारे। ऋषियों की स्थिति भी कुछ ऐसी बताई गई है भागवत जी में। शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ करते करते हाथ कांपने लगे आज प्यारे। कहा परमात्मा में मन कब लगा सकते हो, आप परमात्मा का ध्यान कब लगा सकते हो, आप परमात्मा के लिए कुछ कुछ कब तक कर सकते हो। कहा तब तक कर सकते हो प्यारे जब तक हमारे हाथ पैर चले। कथा में हम कब तक जा सकते हैं, कहा जब तक हम स्वस्थ हों। कर्णों से भगवान का नाम तब तक सुन सकते हैं जब तक कर्ण स्वस्थ हों। आंखों से भगवान को तब तक देख सकते हैं जब तक आंखें सही हों। कई बार दुनिया वाली ये बात कह देते हैं भागवत कथा ये कथाएं राम कथा ये कथाएं तो बूढ़ों की हैं, हम क्या करेंगे जाके इन कथाओं में, अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है। हम तो कई बार ये बात कहा करते हैं प्यारे, क्या गारंटी है कि हम बूढ़े भी होंगे, क्या गारंटी है। कौन सा ऐसा लिख के दे रखा है स्टाम्प के ऊपर हमें कि हम मरेंगे नहीं या हम बूढ़े नहीं होंगे, कि हम बूढ़े होंगे, ऐसा कोई पक्का थोड़े है प्यारे। मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है, ध्रुव है, परंतु ये निश्चित नहीं कि हम बूढ़े होंगे कि नहीं। परमात्मा ने क्या पता किसको कितना समय दिया प्यारे। सामने से बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, इस बात का अपशगुन मत मनाना प्यारे। अपशगुन मनाना उस दिन तुम जिस दिन तुम्हारी संध्या छूट जाए, जिस दिन तुम्हारी उपासना छूट जाए, जिस दिन तुम्हारा ध्यान छूट जाए, उस दिन का अपशगुन मनाना वो जीवन का अपशगुन हो सकता है कि हाय हाय मेरे से मेरे भगवान का नाम क्यों छूट गया, मेरे से मेरा भगवान का नाम क्यों छूट गया, बस इस बात का दुख मनाना। संतों की स्थिति कुछ ऐसी है, विचित्र स्थिति है। ये शौनक आदि ऋषि इसी स्थिति में बैठे हैं, परंतु मन में एक विश्वास है कि कोई तो आएगा जो हमारे ऊपर कृपा करेगा। और संतों की ऐसी दयनीय स्थिति को देख के भगवान ने ही कहते हैं श्री सूत जी का रूप लेके आज उनके समक्ष उनको प्रकट किया। श्री सूत जी महाराज को देख के शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, अभी तक तो हमने अपने जीवन को जगत के झूठे कार्यों में लगाया हुआ था, हे प्रभु अब कोई ऐसा साधन हमें बतला दीजिए कि हमारा ये मन जो बड़ा दौड़ता है, ये दौड़ता हुआ मन हमारा हरि चरणों में लग जाए, प्रभु चरणों में लग जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु। श्री सूत जी महाराज द्रविभूत हुए और द्रविभूत होके कहते हैं हे ऋषियों, आओ अब मैं तुम्हें अमृत से भी मधुर श्रीमद् भागवती कथा का रस पान कराता हूं। इस रस को पी के फिर आपको अन्य किसी रस की इस जगत में आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वैसे तो नवरस संति नौ रस है, श्रृंगार हास्य कर्ण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, नवम रस शांत रस है और दसम रस है वात्सल्य। परंतु प्यारे एक और रस करुणेव, हाँ रामायण में कह दिया वाल्मीकि जी ने, एक और रस करुणेव, ये रस तो केवल एक है करुणता। और करुणता का दूसरा स्वरूप क्या है, करुणता का दूसरा स्वरूप है भक्ति। भक्ति करुणता का ही तो स्वरूप है, जब तक जीवन में करुणता नहीं आएगी तब तक भक्ति की जागृति कैसे होगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण।
दया कब तक धारण करो? कहा जब तक इस देह के में किंचित मात्र भी प्राण बचे तब तक तुम दया करते रहो। मानव का मूल स्वभाव केवल दया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रकृति बड़ी विचित्र है प्यारे। आप किसी पे दया करोगे ना तो दया हा? हा? दया हा? तो फिर भगवान क्या करेंगे? दया का उल्टा याद हा? तुम्हें सदैव भगवान करते रहेंगे। आप दया करना भगवान तुम्हें याद करते रहेंगे, या तो यूं कह लो याद करते रहेंगे या फिर तुम्हें याद आते रहेंगे। इसलिए प्यारे आज द्रविभूत हृदय श्री सूजी महाराज संतों की स्थिति देखते हैं, मन ही मन चिंतन करते हैं कि ऋषियों का उद्धार कैसे होगा। प्यारे संत कहते हैं आओ ऋषियों, अब मैं तुम्हें अमृत से भी मधुर वो भागवती कथा सुनाता हूं। मंगलाचरण हुआ भागवत का, कितना सुंदर मंगलाचरण हुआ। केवल सत्य को ही परमेश्वर मानकर महर्षि वेदव्यास ने भागवत को रचा। केवल सत्य को मान के जो श्लोक लिया ना उस श्लोक भी सत्य पे ही आधारित है। ऋषियों ने पूछा था, यहां पे भ्रम हुआ था कि प्रभु किसी भी ग्रंथ का हम मंगलाचरण करते हैं तो किसी देवी देवता का तो नाम लेते हैं ना, आदि गणेश का नाम लेके हम कोई कार्य करते हैं, कहीं मां सरस्वती का नाम लेते हैं, कहीं जिनकी उपासना हम करते हैं कृष्ण का राम का शिव का किसी का तो नाम लेते हैं। महाराज आपने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। कहते हैं बड़ा सुंदर उत्तर दिया इस विषय में, चर्चा निकल के जब बात आई सामने कि महर्षि वेदव्यास की दृष्टि में वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर मैं भागवत में गणेश जी का नाम लूं तो क्या गणेश सत्य से विलग हैं? अगर मैं सरस्वती का नाम लूं तो क्या सरस्वती सत्य नहीं है? अगर मैं कृष्ण का नाम लूं तो कृष्ण का तो स्वरूप ही सत्य के ऊपर है, राम का नाम लूं तो राम तो है ही सच्चे, जो सत्य है वही तो परमात्मा है, अपितु जो असत्य है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत के मंगलाचरण में ही सत्य स्वरूप की ही उपासना करी। श्लोक गाया, तेजो वारिम मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कि वास्तव में भगवान सत्य स्वरूप ही है, विभिन्न अवतार उनके लीला मात्र है। जगत में दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए वो भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। गीता में तो स्वयं भगवान ने कहा, पितृणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह दी ये बात भगवान ने, बार बार कह दी। मानस में पहले गीता में कही, फिर साथ ही साथ मेरे भगवान ने ये बात मानस में भी कह दी। जब जब होई जब जब होई धर्म की होनी अभिमानी राम सिया राम सिया राम
सब गाए गाए शरणम प्रपन्ना कहकर भगवान के सत्य स्वरूप की ही उपासना करी कि वास्तव में जो सत्य है वही तो परमात्मा है, परमात्मा कभी असत्य नहीं हो सकता, परमात्मा कभी असत्य नहीं हो सकता। कई बार कहते हैं हम कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं प्यारे, देर है जाती है कभी कभी, कभी कभी वो द्रौपदी के बुलाने पर भी थोड़ा देर हो जाती है, उनको अपने भक्तों के बुलाने पर भी वो थोड़ा देरी से आते हैं, परंतु आते हैं जरूर, आते हैं जरूर प्यारे, वो परमात्मा जरूर आते हैं। इसलिए आज ऋषियों ने जब मन लग जावे ना किसी बात में तो फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है। सोचा महाराज क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं, विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो जाए तो फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, भवानी शंकरो वंदे कि माँ भवानी श्रद्धा का स्वरूप और शिव विश्वास का रूप है। और प्यारे ये दोनों युगल रूप में जहां पे विराजमान हो जाए तो वहीं से ही कथा शुरू हो जाए। विश्वास हो गए, ऋषियों का चार प्रश्न पूछ लिए, प्रभु जरा इन प्रश्नों के उत्तर दे दो श्री सूत जी महाराज। ऋषियों ने पूछा किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतारस्य प्रयोजनम्, किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। हे प्रभु किम श्रेयः शास्त्र सारा, शास्त्र का सार क्या है? पहला प्रश्न किया कि प्रभु शास्त्र का सार क्या है, ये प्रश्न ऋषि किसके लिए प्रश्न करता है? ऋषि अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं करता, ऋषि प्रश्न करता है जगत के कल्याण के लिए। भविष्य को देखने वाला है ऋषि, इसलिए आने वाले समय में जीव आसुरी स्वभाव का हो जाएगा, कलिकाल का प्रभाव है, तो क्यों ना उनके कल्याण के लिए कुछ ऋषियों से संतों से पूछ लिया जाए। ऋषियों की चर्चा संतों की चर्चा जगत के कल्याण के लिए होती है।
प्रश्न कर दिया कि मिश्रे यह शास्त्र सारा, शास्त्र का सार क्या है, क्यों हम भागवत पढ़ते हैं, क्यों हम कथा सुनते हैं, क्यों घर में हम अन्य अन्य पाठ करते हैं, उसका फल क्या मिलेगा, किम श्री यह शास्त्र सारा। दूसरा प्रश्न पूछा, कास्वावताराश्च प्रयोजनम्, भगवान के धरती के ऊपर अवतरित होने का कौन सा प्रयोजन है, क्यों आते हैं भगवान धरा के ऊपर बार बार, क्यों बार बार इसी धरती को भगवान चुनते हैं, ऐसी क्या विशेषता है इस धरती में। तीसरा प्रश्न पूछा, चलो आ भी गए तो किम कर्म के अवताराश्च, धरती पे आके भगवान कौन सा कर्म करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं भगवान। और चौथा प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतम, ये जो हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियम करते हैं, ये किसकी शरण में जाता है, ध्यान से सुनो। प्रथम प्रश्न, किम श्रेय शास्त्र सार, शास्त्र का सार क्या है। सदगुरुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषि श्री सूजी महाराज बोले, शास्त्र का सार है कि ये जो हमारा डामाडोल मन है ना, ये भक्ति श्रद्धा सहित परमात्मा के चरणों में लग जाए। हम कई बार ये बात कहते हैं कि ये जो कथा के 3-4.5 घंटे होते हैं, कम से कम ये इतना समय तो हमारा अच्छे से यहाँ पर व्यतीत हो जाता है। कैसे, का दिन भर की दुनिया की बातें, दुनिया की चर्चा, दुनिया के झगड़े, उन सब को छोड़ के कम से कम ये भागवत के 7-8 दिन तो हमारे हरि चर्चा में निकले ही जाते हैं। शास्त्र का सार है भगवत उपासना, येन केन प्रकारेण, जैसे भी ये हमारा विचलित मन है ना, भगवान के चरणों में लग जाए, परमात्मा के चरणों में लग जाए। कोई जप करता है, कोई नियम करता है, कोई साधना करता है, कोई उपाय करता है, तो कहते हैं इन सबसे बड़ा सदग्रंथ का, सदग्रंथ की पालना है, सदग्रंथ का पढ़ना इन सबसे उत्तम है, सदग्रंथ का सुनना इन सबसे उत्तम है। यही शास्त्र का सार है कि जैसे कैसे भी हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। दूसरा प्रश्न किया, का स्वावताराश्च प्रयोजनम, भगवान धरती के ऊपर क्यों आते हैं। कोई कहता है महाराज दुष्टों को मारने आते हैं, सतपुरुषों की रक्षा करने आते हैं, परंतु भगवत रसिक कहते हैं कि ये जो संत महात्मा महापुरुष लाखों करोड़ों वर्षों का तप करते हैं अपने परमात्मा को पाने के लिए, अपने उन भक्तों से मिलने के लिए ही मेरे भगवान आते हैं, अपने प्यारों से मिलने के लिए भगवान धरती के ऊपर आते हैं। अपने प्रेमियों से मिलने मेरे भगवान आते हैं। तीसरा प्रश्न किया ऋषियों ने कि किम कर्म के अवताराश्च, कर्म कौन सा करते हैं भगवान धरती के ऊपर आके, किम कर्म के अवताराश्च। कहा प्यारे, वो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। सच्चा धर्म क्या है, सच्चा धर्म है कि मानव वास्तव में, कोई कहता है कि मनुष्य को भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, कोई कहता है मनुष्य को देवता बनने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु मानव वास्तव में मानव ही बन जाए, एक अच्छा सच्चा मानव बन जाए, वास्तव में यही सच्चे धर्म का स्वरूप हो सकता है। नर सेवा ही नारायण सेवा, इसी को ही अपने जीवन का परम सूत्र मान लिया जाए। इसलिए प्यारे, भगवान इस धरती के ऊपर इसी धर्म की स्थापना के लिए आते हैं कि गौ ब्राह्मण संस्कृत संस्कृति वसिन की रक्षा हो जाए, इसी परिकल्प के लिए भगवान धरा के ऊपर आते हैं। परमात्मा इसीलिए धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार धरती को चुनते हैं,
बार बार इस भारत भूमि को चुनते हैं मेरे परमात्मा, ये महिमा है इस भूमि की। प्यारे चौथा प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? प्यारे हमारा किया हुआ धर्म कहते हैं स्वयं, जिस प्रकार से भगवान के विषय में पूछा गया कि भगवान के चरण कमलों में जब उस बहेली ने तीर चलाया और वो तीर जाके भगवान के चरणों में लगा, पद्म राग मणि पे लगा, तो कहते हैं दुनिया ने पूछा कि प्रभु इस धराधाम से कहां चले गए, भगवान धराधाम को छोड़ के कहां गए? भगवान ने कह दिया था कि मैं इस धराधाम को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, अभी तो मैं तो स्वयं इस भागवत भगवान में समा रहा हूं, भागवत में मेरे भगवान समा गए। हमारा किया हुआ धर्म कर्म भी कहीं व्यर्थ नहीं जाता प्यारे, केवल एक हमारा धर्म ही तो है जो सदा हमारे साथ रहता है। जितने कर्म मानव करता है वो कर्म शायद कहीं ना कहीं जीवन में छूट जाए, परंतु तुम्हारा किया हुआ धर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ना प्यारे, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये सच्ची बात है। इसलिए प्रभु ऋषियों ने फिर पूछ लिया कि हे प्रभु इस कथा का प्रारंभ कहां से होता है, कथा का प्रारंभ कहां से होता है? वर्णन हुआ महाराज, गद्य और पद्य जब हम पढ़ते हैं भागवत के विषय में तो ये बात बतलाई जाती है कि जब हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर अपना अध्ययन शुरू किया और श्रीमद् भागवत विषय के ऊपर जब डॉक्टरेट करने जा रहे थे, तो उस समय ग्रंथों को जो पढ़ा गया तो उसमें एक बात निकल के सामने आई कि भागवत का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से है, दक्षिण की भूमि है, वहां का सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और बड़े चिंतित हैं महाराज कि घोर कलयुग आने वाला है, मनुष्य अल्प आयु व अश्रद्धालु होगा, अवस्था घटती चली जाएगी मानव की, तो इस घोर कलि काल में जीव का उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता से द्रविभूत होके आज कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने वेदों को चार भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद व अथर्ववेद, ये चार वेद, और एक एक वेद के एक एक शिष्य पहले वैशंपायन जैमिनी व सुमंतु के रूप में स्थापित किए। पांचवा वेद महाभारत, जिनके शिष्य श्री लो महर्षि जी महाराज को माना, परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी मन को शांति नहीं हुई, नारद जी का आगमन हुआ, कहा प्रभु क्यों दुखी हो, हे ऋषिवर क्यों दुखी हो? कहा प्रभु मैंने वेदों को तो विभक्त कर दिया, शिष्य भी स्थापित कर दिए, परंतु फिर भी मन शांत नहीं हो रहा। कहते हैं श्री नारद जी महाराज ने ऋषि वर को चतुश्लोक की भागवत दी, कहा प्रभु आप इस भागवत का विस्तार कीजिए, इस कथा का विस्तार कीजिए, इन श्लोकों का विस्तार कीजिए, इससे आपके हृदय को आनंद आएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने इससे पहले जितने पुराण लिखे, वेद वेदांग आपने जो भी रचित किया, उन सब में आपने भगवान के विराट रूप का तो दर्शन किया दिखाया, परंतु कहीं पर भी आपने भगवान के बाल रूप का वर्णन नहीं किया। जब तक हृदय में वात्सल्यता नहीं होगी तो प्रेम कैसे होएगा प्यारे, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मन स्थिर कैसे होगा? प्रेम का स्वरूप बहुत प्यारा है,
नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद कहते हैं तत्प्राप्य तदेव अवलोक्यति। कहते हैं गुड़ से भी मीठा स्वरूप है वो का स्वादनवत प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्नम सूक्ष्म तर्मनोभव रूपम। गूंगे को गुड़ खिलाओ और फिर पूछो कैसा लगा, गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता प्यारे। वही जान सकता है इस प्रेम को, परमात्मा के प्रेम को, जिसने इसको जिया हो, जिसने इसको अनुगत हृदय में धारण किया हो। इसलिए कहते हैं जब तक आपके हृदय का प्रेम ना जागे भगवान के लिए तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। ऋषिवर की इस बात को श्रवण करके चतुश्लोकी भागवत ली और इसके विस्तार के लिए जब ऋषि लगे तब फिर चिंतित हुए। नारद जी फिर आए, कहा अब क्यों चिंतित हो ऋषिवर? कहा प्रभु मैंने भागवत को लिपिबद्ध तो कर दिया परंतु मैं इसका विस्तार नहीं कर पा रहा। कहा क्यों? जब सब ऋषि इकट्ठे हो गए मैं विस्तार करूंगा भागवत का। तब ऋषिवर ने कहा भागवत का विस्तार तो केवल वही कर सकता है जिसने पहले सृष्टा और फिर उसकी सृष्टि का दर्शन किया हो। कहा प्रभु ऐसा तो इस जगत में कोई ऋषि नहीं जिसने सृष्टा को भी देखा और उसकी सृष्टि को बनते हुए भी देखा हो, ऐसे कौन हो सकते हैं? कहा ऐसे तो इस संसार में केवल एक होते हो सकते हैं जिनका नाम है भूत भावन भोलेनाथ, जिन्होंने सृष्टि को बनते हुए भी देखा, बिगड़ते हुए भी देखा और जो सृष्टि को जानते भी हैं। इसलिए महर्षि नारद कहते हैं आज चल पड़े कैलाश की ओर और चलते चलते महर्षि नारद कैलाश पहुंचे और वहां पर विराजमान है मां भगवती मां पार्वती। प्रणाम किया और आज पूछ लिया मां से जब भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर दिखाई नहीं दिए कि मैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भूत भावन भोलेनाथ आपके सानिध्य से संतुष्ट नहीं है। नारद ऐसा कहे कि तुम कौन सा कौतूहल पैदा करना चाहते हो? हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय है, यूं कह के तुम कौन सा विवाद खड़ा करना चाहते हो? अब नारद जी जब भी कोई प्रश्न करते हैं ना वो प्रश्न किस लिए होता है, उस प्रश्न से ही बस एक कथा शुरू हो जाती है, क्योंकि संत का प्रश्न जगत के कल्याण के लिए होता है। श्री नारद जी महाराज का प्रश्न भी संसार के कल्याण के लिए है कि भागवत का विस्तार हो जाए। भोलेनाथ विस्तार कब करेंगे कथा का? जब कथा के लिए कोई कारण बनेगा, बिन कारण के तो हाँ बिना प्रयोजनम तो मंदो अपि न प्रवर्तते, हाँ बिना किसी प्रयोजन के तो मूर्ख भी किसी कार्य को नहीं करता। इसलिए प्रयोजन के साथ ही कोई कार्य होता है प्यारे। आज हुआ, नारद जी ने पूछा, मैया ने कह दिया कि हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा नहीं मैया, मेरा तो कहने का बस केवल इतना तात्पर्य था कि भूत भावन भोलेनाथ गले में जो मुंड माला धारण करते हैं उसमें किस किस सुंदरी का मुंड लगा है, स्त्री के मुंड लगे। अब मैया के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई और शंका माताओं के हृदय में कुछ गहरी हो ही जाती है जब कोई ऐसी बात हो। उस शंका को लेके पार्वती बैठ गई, नारद जी तो ऐसा कह के वहां से चले गए। मैया मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था, बाकी मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं जा रहा मैया, नारायण नारायण, वो कह के नारद जी तो चले गए। मैया कोप में बैठी है, भोलेनाथ आए कि देवी, देवी को देखा, देवी तने क्रोध में क्यों बैठी हो? कहीं मेरे पीछे से तुम्हारे गुरुदेव तो नहीं आए थे? हाँ हाँ, अगर वो ना आते तो मुझे पता कैसे चलता?
क्या पता चलता? वही जो आप हमसे छुपाते हो, आप हमसे द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, हमसे बातें छुपाते हो। भोलेनाथ कहते हैं, देवी द्वेष और ईर्ष्या मेरे स्वभाव में कहीं नहीं, मैं तो भूत भावन भोलेनाथ हूं, मेरे स्वभाव में ना ईर्ष्या है और ना द्वेष है। एक महापुरुष गाया करते थे, एक पंक्ति कई बार मुझे याद आती है, ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, दूसरा कोई भोला नहीं है। कि भोले से भोला इस संसार में और कोई नहीं हो सकता, इसलिए भोलेनाथ ने समझाया मैया को, कहा प्रभु फिर बताते क्यों नहीं गले में जो मुंडा माला डाली है उसमें किस किस स्त्री के मुंड लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम ये प्रश्न ना ही पूछो तो ही अच्छा, शंका और ज्यादा गहरी हो गई। हट कर बैठी माँ, और जीवन में हट कई बार बहुत पूरा हो जाता है। कई कई अगर राजा हट ना करती तो राघवेंद्र को 14 वर्ष का वनवास ना होता, स्वयं को भी वैधव्यता ना भोगनी पड़ती, परंतु नहीं माने। राजा हट किया दुर्योधन ने, 3 प्रकार के हट होते हैं, राजा हट, बाल हट व प्रिया हट। राजा हट किया दुर्योधन ने, सुई अग्रेना केशवा, सुई की नोक नहीं दूंगा पांडवों को, उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का विशाल युद्ध, कुरुक्षेत्र की भूमि में इतना विशाल युद्ध का कारण कि अगर वो 5 गांव दे देते दे देता दुर्योधन तो फिर ये युद्ध ना होता। प्यारे एक हट किया था श्री ध्रुव जी महाराज ने, जिस हट का नाम है बाल हट, परंतु ये हट ध्रुव जी ने अपने भगवान को पाने के लिए किया। अगर हट करना ही पड़े प्यारे तो दुनिया के लिए क्या करना, अपने सांवरे के लिए करना, अपने परमात्मा के लिए करना। आग लगे धन धाम के जल जाए सम्मान, इस जीवन में जो नहीं प्राप्त हुए भगवान। कि प्यारे इस धन धान्य की भी चिंता ना करना, इस मान सम्मान की चिंता भी ना करना, धन भी आता रहेगा जाता रहेगा, परंतु चिंता करना तो केवल इस बात की कि मेरे जीवन से वो ना निकले जिसको मैं प्राप्त करने के लिए धरती पे आया था। भगवान का नाम तुम्हारे जीवन, चिंता होवे तो केवल इस बात की होवे। प्यारे आज कहते हैं किसी स्थिति में महर्षि आज वो घटना घट गई, मां ने पूछ लिया और भोलेनाथ को बताना पड़ा कि देवी ये जितने भी मुंड मेरे गले में है ना, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे ही तो हैं, सबके सब मुंड तुम्हारे हैं। देवी की शंका और बढ़ गई, प्रभु क्यों झूठ बोलते हो, क्या क्या मैं बार बार मरती रही और आप एक बार भी नहीं मरे, आप अमर ही रहे, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? कहा देवी मैं अमर इसलिए हूं क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैंने अमर कथा सुन रखी है। सुनाने तो मैं तुम्हें भी गया था वो कथा, परंतु तुम्हारा मन शंकित हो गया था। भोलेनाथ माँ पार्वती को इससे पहले राम कथा सुनाने गए थे ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, किसके लिए? कथा के रसिक कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं प्यारे। हाँ कहाँ रहते हैं भोलेनाथ? कैलाश पे, और कुंभज ऋषि देश के दक्षिण छोर पे,
और भोलेनाथ कथा कितने रसिक है, माँ को लेके वहां चले गए कथा सुनने। कहते हैं भगवान की कथा कहीं हो रही हो ना तो बस फिर छोड़ चलो सब कुछ, क्योंकि इस कथा से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आज जब मैया वहां कथा सुन रही थी तो शंका पैदा हो गई थी राघवेंद्र के विषय में, राम के विषय में शंका पैदा हो गई, और शरीर को भस्मीभूत करके उसका प्रायश्चित करना पड़ा था मैया को। और कहते हैं कि आज फिर से आज मैया कह रही है कि प्रभु मुझ पे कृपा करो ना, मुझे वो कथा सुनाओ कि मुझे बार बार जन्म लेना और मरना ना पड़े, मैं भी सदा यूं ही सेवा करती रहूं और आपको इन मुंडों का बोझ यूं ना सहना पड़े। तो भूत भावन भोलेनाथ अम्मा पार्वती को कहते हैं आज संग लेकर चल पड़े कैलाश की ओर, जा रहे हैं भोलेनाथ अम्मा पार्वती को लेके। तो चलते चलते भोलेनाथ ने सबसे पहले माथे के चंद्रमा को कहा, चंद्रमा तुम नीचे उतरो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे क्यों नीचे उतारते हो, मैंने कौन सा दोष किया, आराम से ऊपर बैठा हूं मैं आपके माथे के। भोलेनाथ कहते हैं कि ऊंचे आसन पर बैठने वाला जिसको नीचे बैठने की आदत ना हो वो कथा का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए कथा तो नीचे बैठ के सुननी चाहिए। वैसे नियम है व्यासासन से ऊंचासन ना हो, परंतु हो सके तो भूमि पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए माथे के चंद्रमा को नीचे उतारा। थोड़ा आगे बढ़े भोलेनाथ ने जटाओं में बहती हुई गंगा को कहा, गंगा तुम भी नीचे उतरो। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा दोष किया, कब से बैठी हूं आपके जटाओं में समाई हूं। आज गंगा के हृदय में भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा द्वेष आने लग गया था माँ पार्वती से कि मैं तो कब से बैठी हूं जटाओं में, मुझे तो आज तक भोलेनाथ कथा सुनाने नहीं दे गए, इस पार्वती ने बस एक बार कहा और भोलेनाथ कथा सुनाने चल पड़े। तो भोलेनाथ कहते हैं हृदय में ईर्ष्या रखने वाला भी कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। ईर्ष्या कभी भगवान के नाम से नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या रखो तो अपने दुर्व्यसनों से रखो प्यारे, भगवान की कथा से ईर्ष्या मत रखो। गंगा को उतार दिया भोलेनाथ ने। थोड़ा आगे बढ़े भोलेनाथ, आगे बढ़े तो भोलेनाथ ने गले में लटके हुए सर्पों से कहा, सर्पों तुम भी नीचे उतरो। सर्पों ने कहा, प्रभु हमने क्या दोष किया, राम से गले में पड़े हैं आपके, क्या मांग रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, तुम फुंकारे बड़े मारते हो, फुंकारे बड़े मारते हो। अब कथा में कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कई अरे ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बढ़िया प्रसाद क्यों नहीं लेके आए, महाराज बैठने की व्यवस्था बढ़िया क्यों नहीं की, गद्दे अच्छे नहीं बिछे हुए हमारे लिए, कुर्सियां कम पड़ गई, तो ये कैसे लोग होते हैं, ये फुंकारे मारने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को भी कथा सुनने का अधिकार नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं पावा। जिसका मन निर्मल हो, श्री सुखदेव जी भगवान ने जब कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, वहां पे कौन सा माइक लगा था, वहां पे कौन से संगीतज्ञ बैठे थे, वहां पर कौन से ऊंचे आसन लगे थे, वहां पे कौन से बढ़िया पंडाल थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ के सदगुरुदेव ने कथा सुना दी थी, और सुनने वाले रसिक कौन थे, कहा महाराज जलचर नभचर थलचर मानव तो मानव वहां पे तो कहते हैं जो पास से सर्प भी गुजर रहे थे ना वो भी अपने स्थान पे ठहर के श्री सुख की वाणी को श्रवण कर रहे थे।
पक्षियों ने भी कथा सुनी, वृक्षों ने भी कथा सुनी महाराज, जीव जंतु जड़ चेतन सबने वहां पर बैठकर भगवान के मुख से कथा सुनी, सुखदेव जी के मुख से कथा सुनी। इसलिए कथा को तो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए मेरे प्यारे। हाँ, इससे बढ़िया प्रसाद और क्या हो सकता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, और प्रसन्नता कई बार हम देखते हैं कि अगर कथा में कहीं, यहाँ पे तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कहीं प्रसाद कम भी पड़ जाए तो लोग कहीं तो इसी चिंता में भूलते रहते हैं महाराज आज प्रसाद कहाँ मिलेगा, कथा का इसी चिंता में घुल के ही चार घंटे खो देते हैं। तो भैया प्रसाद का तात्पर्य है प्रसन्नता, और प्रसन्नता तो भगवान की कथा का नाम है। प्रसन्नता भगवान की कथा का नाम है मेरे प्यारे। भोलेनाथ आगे बढ़ रहे हैं, सर्पों को बिच्छुओं को सबको नीचे उतार दिया भोलेनाथ ने, अंत में केवल मां पार्वती संग है। और अमरनाथ की वो पावन पवित्र गुफा जहां पे बैठ के भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती को परम पावनी श्रीमद् भागवती या अमर कथा सुनाते हैं, कथा की कृपा प्रारंभ होती है, विश्वास बढ़ता जाता है। और प्रभु दशम स्कंद तक की कथा मैया बड़े ध्यान से सुनती है। जैसे ही ये कथा चलती है मैया को निद्रा ने प्रारंभ होती है, एकादश स्कंद भी निकल जाता है, द्वादश स्कंद में कृष्ण उद्धव चर्चा जब चलती है मैया के नेत्र खुलते हैं और भोलेनाथ से पूछती है प्रभु मैं दशम स्कंद से आगे का चरित्र नहीं सुन पाई। भोलेनाथ ने कहा देवी हो फिर अगर तुम कथा नहीं सुन पाई तो ये हुंकारे कौन भर रहा था। ऊपर शुक्ष बैठे हैं हुंकारे भर रहे हैं। भोलेनाथ को क्रोध आया, शूल हाथ में लिया, शुक आगे आगे दौड़ता है, भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ते हैं। और कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास के आश्रम में मैया पिंगला का मुख आज खुला, जैसे ही वो शुक मुख में प्रवेश कर गया, संध्या का समय था, महर्षि वेदव्यास जैसे ही मुड़ के पीछे देखते हैं भोलेनाथ क्रोध में खड़े हैं। तो भोलेनाथ को देखकर महर्षि वेदव्यास उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम, धन धन्य हो गया मेरी कुटिया में आपका आगमन हुआ। प्रणाम को छोड़ो, हे वेदव्यास मेरा अपराधी तेरे आश्रम में घुस आया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहा प्रभु कौन सा अपराध कर दिया अपराधी ने। कहा चोरी करी है उसने। कहा क्या चुरा लिया प्रभु आपका। भोलेनाथ कहते हैं उसने मेरी कथा चुराई है, मेरे मुख से निश्रित कथा चुराई है। कहा प्रभु भगवान का नाम ही तो चुराया है, और इस संसार में अगर भगवान का नाम चुरा लिया जाए तो इससे बढ़िया चोरी और हो भी जा सकती है। कहा वेदव्यास सामने बैठ के सुनता तो कोई बात नहीं, चुराई क्यों कथा। कहा प्रभु ये आपका ही तो दास है, ये कोई साधारण शुक नहीं, ये किशोरी जुग का लीला शुक है, गोलोक धाम में जो राधा रानी का संदेश ठाकुर जी तक पहुंचाया करता था, इसी की इच्छा हुई थी एक बार कि मैं धरती पे जाना चाहता हूं, तो राधा रानी ने ही इसे पिंड रूप में धरती पर स्थापित किया था। प्रभु इसका कार्य भगवान नाम को सुनना और बांटना ही तो है। भोलेनाथ ने जब ऐसा सुना तो हृदय गदगद हो गया, प्रभु तो भावन भोलेनाथ कोटि कोटि आशीर्वाद देके श्री सुखदेव जी महाराज को आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर 12 वर्ष और कहीं कहीं पर 16 वर्ष ऐसा कहते हैं कि माँ के गर्भ में आज वो बालक रहा। पिताजी ने कहा, वेदव्यास ने कहा हे पुत्र जो गर्भ है इसमें ज्यादा समय रहना उचित नहीं, इसलिए तुम इससे बाहर आ जाओ।